में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम सूरदास जी के जीवन परिचय को ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम उनके पदों पर आधारित प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। इस तरह लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक वे जीवित रहे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस बारे में दो प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे मथुरा के आसपास कहीं जन्मे थे और दूसरे विद्वानों का ये मानना है कि वे दिल्ली के पास सीही नामक एक स्थान पर, एक गांव में उनका जन्म हुआ था। रचनाएं, सूरदास जी की प्रमुख रूप से केवल तीन ही रचनाएं हैं, तीन ग्रंथ हैं। इसमें से एक का नाम है सूर सागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सारावली। इनमें सूर सागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन को लेकर के बहुत ही मधुर, मार्मिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किए हैं और यही कारण है कि साहित्य में उनसे पहले तक नवरस हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने इसमें एक दसवें रस को भी जोड़ा और वह वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कवि थे और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, इसलिए उन्होंने उनके जीवन को ही केंद्र में रखकर अपने समस्त साहित्य को रचा है। उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया क्योंकि वही श्री कृष्ण की भी भाषा रही होगी, ऐसा उनका एक भाव है। तो यह था सूरदास जी का जीवन परिचय। आपसे अनुरोध है, कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उसका उत्तर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।